Welcome to my channel. You're watching English Study with Shweta Chauhan. Hey everyone, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे 51 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस. मैं तुम्हें गाने सुनने दूंगा पर पहले पैसे दो. I'll let you listen to songs, but first you give me money. Next, वो हमें घर में नहीं घुसने देगा. He'll not let us enter the house. He'll not let us, मतलब वो हमें नहीं करने देगा enter the house, घर में प्रवेश. पापा हमें पेड़ पर नहीं चढ़ने देते. Dad doesn't let us climb upon the tree. Doesn't let us, यानी ऐसा काम नहीं करने देते. बच्चे मम्मी पापा को सोने नहीं देंगे. Children will not let mom and dad sleep. ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है, मैं तुम्हें पेन से लिखने नहीं दे सकता. आई कांट लेट यू राइट विद अ पेन. आई कांट लेट यू, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता राइट विद अ पेन, पेन से लिखना. तुम्हें डांटा जाता है. यू आर स्कॉल्डेड. स्कॉल्ड यानी डांट. यू आर स्कॉल्डेड, तुम्हें डांटा जाता है. नेक्स्ट सेंटेंस, हमें पीटा जा रहा था. इसको इंग्लिश में कहेंगे वी वर बीइंग बीटन. बीट यानी पिटाई करना, एंड वी वर बीइंग बीटन करता है, हमें पीटा जा रहा था. मुझे एक किताब दी जाएगी. आई विल बी गिवन अ बुक. आई विल बी गिवन, मुझे दी जाएगी अ बुक, एक किताब. मुझे तुम्हारे बारे में बताया गया है. आई हैव बीन टोल्ड अबाउट यू. टोल्ड यानी बताया जाना. आई हैव बीन टोल्ड अबाउट यू, मुझे तुम्हारे बारे में बताया गया है. भारत को शांति प्रिय देश के रूप में जाना जाता है. इंडिया इज नोन एज पीसफुल नेशन. पीसफुल यानी शांति प्रिय, और नेशन यानी देश, राष्ट्र. नेक्स्ट, मैं तुम्हें आम तोड़ने दूंगा. I'll let you pluck the mangoes. जब भी हम फल तोड़ते हैं या फिर फूल तोड़ते हैं तो हम बोलते हैं pluck. I'll let you pluck the mangoes. उस लड़के ने मुझे वहाँ खेलने नहीं दिया. That boy didn't let me play there. That boy didn't let me play there. इस आदमी ने राम को यहाँ बैठने नहीं दिया. This man didn't let Ram sit here. This man didn't let Ram sit here. मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा. इसे हम इंग्लिश में कहेंगे I will not let you do this. I will not let you do this. Next, वो अक्सर मुझे जाने देता है. He often lets me go. Often यानी प्राय, अक्सर. He often lets me go. हम कभी कभी उसे खेलने देते थे. We used to let him play sometimes. We used to let him play. हम उसे खेलने देते थे sometimes. पापा मुझे स्कूल जाने नहीं देते. Dad doesn't let me go to school. Dad doesn't let me go to school. Next, मेरा अकेलापन मुझे जीने नहीं देगा. My loneliness won't let me live. अकेलापन को हम इंग्लिश में कहते हैं loneliness. मैं तुम्हारे दुख को बढ़ने नहीं दूंगा. I'll not let your pain grow. Pain यानी दर्द, grow यानी बढ़ना. I'll not let your pain grow. उसने मुझे खाना नहीं खाने दिया. He didn't let me eat the food. He didn't let me eat the food. उसने मुझे खाना नहीं खाने दिया. उसने मुझे पानी नहीं पीने दिया. इसे हम इंग्लिश में कहेंगे He didn't let me drink water. Drink यानी पीना. He didn't let me drink water. उसने मुझे कार नहीं चलाने दी. He didn't let me drive the car. Drive the car यानी कार चलाना. He didn't let me drive the car. उसने मुझे बाइक नहीं चलाने दी. He didn't let me ride the bike.
जब भी हम कार चलाएंगे तो हम बोलेंगे ड्राइव, और जब बाइक चलाना का होगा तो हम कहेंगे राइड। ही डिडंट लेट मी राइड द बाइक। उसने मुझे कंप्यूटर नहीं चलाने दिया। ही डिडंट लेट मी ऑपरेट द कंप्यूटर। ऑपरेट द कंप्यूटर यानी कंप्यूटर चलाना। उसने मुझे मोबाइल नहीं खरीदने दिया। ही डिडंट लेट मी परचेज द मोबाइल। परचेज द मोबाइल यानी मोबाइल खरीदना। ही डिडंट लेट मी परचेज द मोबाइल। तुम कब तक यहाँ ठहरोगे? फॉर हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर। फॉर हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर। स्टे यानी रुकना, ठहरना। नेक्स्ट, माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होगी। द मदर विल बी फीडिंग हर चाइल्ड। फीडिंग यानी दूध पिलाना। द मदर विल बी फीडिंग हर चाइल्ड। मैं किसके बारे में सोचता हूँ? Whom do I think about? Whom do I think about? Whom यानी किसके, किसके बारे में। Next, हम बहुत देर तक सोते हैं। We sleep till late. We sleep till late. हम बहुत देर तक सोते हैं। Next, वो अपने सपनों को साकार करेगा। He will fulfill his dream. या फिर हम कह सकते हैं he will materialize his dreams. Next, वो घर से नहीं आया है। He has not come from home. He has not come from home. वो घर से नहीं आया है। हम वहां गए थे। We had gone there. We had gone there. हम वहां गए थे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। मेरा दोस्त कौन सी कार चला रहा है? विच कार इज माई फ्रेंड ड्राइविंग। विच कार यानी कौन सी कार। विच कार इज माई फ्रेंड ड्राइविंग। हमने टीवी में किसकी लड़ाई देखी? हुज फाइट। हुज फाइट यानी किसकी लड़ाई। हुज फाइट डिड वी वॉच ऑन टीवी। नेक्स्ट, मेरे साथ कई फिल्म देख रहे थे। देयर वर मैनी यानी बहुत थे। वॉचिंग मूवी विद मी, जो मेरे साथ मूवी देख रहे थे, फिल्म देख रहे थे। देयर वर मैनी वॉचिंग मूवी विद मी। उसने उस आदमी को जान से मार दिया। ही किल्ड दैट मैन। किल यानी मार देना। ही किल्ड दैट मैन। आपकी आवाज कट रही है, ऐसा आप कहेंगे इंग्लिश में। आई एम सॉरी यू आर ब्रेकिंग अप। आई एम सॉरी यू आर ब्रेकिंग अप। सड़क पर मरम्मत चल रही है, इसकी इंग्लिश है द रोड इज अंडर रिपेयरिंग। द रोड इज अंडर रिपेयरिंग। क्या आपने अभी टिकट नहीं लिया है? हैवंट यू बॉट द टिकट सो फार। हैवंट यू बॉट द टिकट सो फार। क्या आप उससे मेरी बात करा देंगे? Could you please make me talk to him? Could you please make me talk to him? क्या आप उससे मेरी बात करा देंगे? जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, सफल नहीं हो पाओगे। Unless you work hard, you'll not be able to succeed. Succeed यानी सफल होना। अब मुझे चलना चाहिए। I must leave now. I must leave now. अब मुझे चलना चाहिए। नेक्स्ट, उसकी जान में जान आई। ही हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। मतलब उसने चैन की सांस ली। ओके, ही हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। ट्रेन किस समय छूटती है? व्हेन डज द ट्रेन लीव। व्हेन डज द ट्रेन लीव। ट्रेन किस समय छूटती है। यह पैसा वसूल मूवी थी। This movie was worth watching. मतलब जब हम इस मूवी को देखने गए तो अच्छी लगी, इसने पैसा वसूला। This movie was worth watching. Well, this is the end of the video. If you like, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.